पीछे से बोलने वाले बहुत आते हैं भाई। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, करता हूं सब इतना बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई मेरे रूम से, और रात के बज रहे हैं इस टाइम पे 11:10:54 हो रहे हैं, और हम लोग निकल रहे हैं अभी सीधा खाटू श्याम जी के लिए। रात के 11 बजे हम 4 लोग जाने वाले हैं, मैं, आकाश भाई और मनीष भाई और एक विनय भैया, और सारी चीज आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करूंगा कार के अंदर। निकलते हैं बस थोड़ी ही देर में, एनर्जी एकदम फुल है आपके भाई के अंदर। भाई 11 बजे देख रहे हैं एनर्जी कितनी गजब की हो रही है, मजा आने वाला है इस ट्रिप पे। सब चीज आपके साथ शेयर करूंगा, अगर फोन अंदर ले आना अलाउड हुआ तो अंदर भी लेके जाएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि नया बना है खाटू श्याम जी का मंदिर, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हुए हैं तो वो सब चीज़ें भी दिखाएंगे। मैं भी थोड़े दिन बाद जा रहा हूँ, सब चीज़ आपके साथ बताऊंगा, और मिलते हैं आपसे सीधा कार में। तो जी फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और बाहर सारे भाई लोग आ चुके हैं। भाई वाइड एंगल नहीं है क्या? फ्रंट में नहीं है ना? अरे होता है यार, नहीं फ्रंट में नहीं होता। तो जी हम लोग निकल चुके हैं श्री श्याम खाटू श्याम जी दरबार के लिए, राजस्थान के लिए, और अभी हम लोग 3 लोग हैं अभी गाड़ी के अंदर, आकाश भाई, मनीष भाई, मैं, और अभी एक और आने वाले हैं हमारे साथ जो सेलिब्रिटी हैं हमारे, शेट्टी साहब, विनय भाई, तो हस्बैंड ऑफ शिल्पा शेट्टी हैं तो अभी वो भी भाई आने वाले हैं हमारे साथ, और हम 4 लोग जाने वाले हैं और काफी मजा आएगा भाई इस ट्रिप पर। अपनी इस बार जो की ट्रिप होने वाली है वो रही है कार से, और हर बार तो बाइक से ही देखते थे आप लोग, इस बार हम लोग जाने वाले हैं कार से, मतलब जा रहे हैं कार से, जाने के हवाले जा रहे हैं हम लोग कार से। मजा आएगा इस ट्रिप में, बाकी सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा सब चीजें। भाई भी आपको बढ़िया बढ़िया शॉट देते रहेंगे, निकाल निकाल के दिखाते रहेंगे अपने। ट्रिप तो बढ़िया रहेगी, साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि हम यहाँ से चल रहे हैं, भगवान का और घर वालों का अपने आशीर्वाद अपने साथ रहे और आपके ऊपर ये बना रहे हैं। और हमारी जर्नी को वर्चुअल तरीके से देखो तुम, बस निगाहें, मतलब कैमरा हमारा हो, फीलिंग तुम्हारी हो, बस। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो भाई 11 बजे निकले थे घर से और 11:52 हो रहे हैं इस टाइम, मतलब ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, 53 हो गए भाई, और अभी तक हम लोग गुड़गांव नहीं पहुंचे हैं, इतना जाम लग रहा है भाई। धोला कुआं भी नहीं पहुंचे, ये मान लो, मतलब ये समझ लो भाई सैटरडे नाइट तो निकलना बेकार ही है, मतलब इतना भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। तो हम जिन लोगों को कहते हैं ना ग्रुप के बंदों को वीकेंड की राइड नहीं बनानी चाहिए, हाँ। तो हम भाई दुनिया छान के बैठे, हम जान के बोलते हैं ग्रुप बंदों को कि भाई वीकेंड की राइड मत बनाओ मत, पर बंदे पता है किलसने लग जाते हैं, भाई ये हमारी वजह से नहीं कर रहा है, इसका तो मंडे ऑफ होता है इसलिए कर रहा है। अरे भाई मेरे, ये नहीं बताना था, मेरी वजह से नहीं है, मेरी वजह से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वही बात है कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है, बंदे सोचते हैं भाई सैटरडे संडे बना लो, ऋषिकेश चलते हैं पास में, सबसे ज्यादा भीड़ होती है ऋषिकेश में, पूरा भरा पड़ा होता है भाई, दिल्ली वाले स्कूटी लेके जाते हैं वहाँ पे, स्कूटी दिल्ली देहरादून ऋषिकेश पहुंची होती है, भाई के जोड़े स्कूटियां जाती है दिल्ली की वहाँ पे। भाई ये पिछले वाले मनीष जैसे बंदे हैं, बताओ क्या बोले भाई, मैं तो अकेला हूँ, बाकी लोग अलग है, बाकी बढ़िया है, चल रहे हैं। रात के 12:30 और अभी तक हम विनय भाई तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि पीछे लग रहा था जाम बहुत ज्यादा ही गंदा वाला, 2-3 जगह जाम मिला और फालतू का जाम था, कोई मतलब तो नहीं था उस जाम का, और अभी हम लोग बस 2 मिनट में विनय भाई के पास पहुंचने वाले, 2 मिनट का ही टाइम है, तो मैप जो दिखा रहा 2 मिनट, बस विनय भाई के पास पहुंचते हैं और फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं, विनय भाई को ही मिलवाते हैं, गाड़ियां बिठाते हैं विनय भाई को और किडनैप करके ले जाएंगे। भाई ये विनय भाई आ चुके हैं हमारे पीछे बैठे, डर नहीं लगता है ऐसे? जय श्री श्याम विनय भाई, क्या ही बोलेंगे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भाई, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो भाई। बस विनय भाई आ चुके हैं, हम 4 जने पूरे हो चुके हैं अब इस टाइम पे, रात के बज चुके हैं 12:30। आगे से एक काम करो, आगे से यू टर्न ले लो, आगे से यू टर्न ले लेते हैं और निकल चलते हैं सीधा
खाटू नगरी के लिए बढ़िया करके मैप लगा लेते हैं। मैप तो पता ही है यार, मैप तो पता ही है। ओहो गड्ढे तो बढ़िया है इतने भाई की, नाम रख रहे हैं गड्ढे भी अपनी कार का फ्यूल अप, फर्स्ट फ्यूल अप हो रहा है और करा रहे हैं पूरा फुल पेट्रोल अपनी कार के अंदर, तो चुका है जीरो, देखते हैं कितना लीटर तेल आता है। बाकी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरियाणा जो है गुड़गांव से थोड़ा सा आगे, कौन सी जगह पड़ती है भैया ये? रघुपुरा चौक, रामपुरा चौक, रामपुरा चौक। तो भाई अभी यहाँ पे पहुँचे हैं और तेल डलवा लें अपनी गाड़ी के अंदर, देखो कितना लीटर आता, सब चीज़ बता दूंगा जैसे भी होगा। तो भाई अपना फ्यूल अप हो चुकी है गाड़ी और सीधा सीधा चल दिए हम लोग वापस से अपनी डेस्टिनेशन के लिए जो कि है खाटू श्याम जी। क्या हुआ मैंने भाई, क्या मतलब घर वगैरह पे कोई सीन नहीं कर रखा क्या शादी वादी जी का आपने? भाई के चलिए शादी पे चर्चा बहुत बढ़िया करके करो भाई, अच्छे साले ये ऑन है, बंद कर इसको, बंद कर, करो करो करो, मस्त कंटेंट है, मस्त कंटेंट है। गंदा वाला जाम लग रहा है पूरे रोड पे, और अभी ऊपर है ना फ्लाईओवर है वहां तक दिख रहा है जाम प्रॉपर करके। और यार टाइम हो रहा है 1:27, अरे जान के करा है, दूर तक दिख रहा है वो फटेगा यार। 1:27 हो रहे हैं और जाम लग रहा है गंदा वाला केड़ा। ओहो फट जाएंगे इधर तो, लाइन से आउट हो जाएंगे। किस कलर की गाड़ी ले रखी है भाई? बढ़िया है, अच्छा कलर है इसकी। अरे इसकी हरी लाइट पड़ रही है उसमें। ओहो भैया भी हावी ड्राइवर है। हाँ हावी हावी बोल लिया मैं भी। बताते रहे भाई इन्हें चाहिए ड्राइवर, और यहाँ पे लिख रखा पीछे ड्राइवर चाहिए, और मेरी ये नहीं समझ में आ रहा ड्राइवर तो चाहिए पर ये ट्रक कौन चला रहा जो ड्राइवर नहीं है तो। ओ भाई यार क्या कल हो गया यार, करा भाई पीछे दिखा रहा क्या ड्राइवर चाहिए, देख के नहीं समझ में आ रहा कि ड्राइवर तो चाहिए पर चला कौन रहा है कंडक्टर। और उसने पीछे वाले ने इंग्लिश बोली, क्या बोला बताइयो? क्या जोक बता दो, बहुत जोक मैन, इससे ज्यादा हंसी आई है, बता दो। सही है भाई, बढ़िया है यार। कौन सी मूवी हो करण अर्जुन? व्हाट अ जॉब, व्हाट अ जॉब। तो ये जस्ट अभी अभी आए हैं हम लोग ओल्ड राव, ओल्ड राव है ना, हां ओल्ड राव, ओल्ड राव ढाबा पे, और ओल्ड मॉन्क पीना, ओल्ड मॉन्क भाई ये है यार गंदा आदमी, शिट मैन। एक तो यार ये सिट गाय एकदम। भाई अभी यहाँ पे हम लोग ओल्ड राव पे आए हैं कुछ खाने के लिए, मतलब थोड़ा सा ना भूख लगने लग गया क्योंकि रात के हो चुके हैं 3 बजे, रात के 3 बज चुके हैं, भूख लग रही है थोड़ी सी, तो पहले कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं आगे के लिए। बाकी बढ़िया है, मज़ा आया, मतलब अच्छा लग रहा है गाड़ी से भी, ऐसा नहीं है कि गाड़ी से बेकार लग रहा है, गाड़ी से भी सही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फ्रेश वगैरह होते हैं तो मुँह हाथ धोते हैं, थोड़ा सा टॉयलेट होके आते हैं, उसके बाद कुछ खाना खाते हैं। बाकी बढ़िया है यार, मज़ा आ रहा है कार में भी मज़ा आ रहा है। क्या लाइट आ रही है अच्छी से लाइट अच्छी ऐसी लाइट लगाओ ब्लॉग में मज़ा आता है। भाई कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, कहीं भी बैठ जाते हैं और अपना खाना खाते हैं और निकलते हैं आगे के लिए। क्यों भाई को हो गए नशे नींद के, अब भाई सोएंगे पीछे बैठ देखिए एंटी फ्लिकर ऑन करना पड़ेगा। प्रीमियर प्रो में वो आता है पता है एंटी फ्लिकर,
स्पीकर हटा देता भाई वीडियो में से। भाई इधर आ चुका है हमारा खाना। खाने में हमने लिया था पनीर बटर मसाला और रोटी, और ये भाई दोनों है जो शुरू हो चुके हैं। हमने तो भाई, तो भाई ने खाना शुरू कर दिया। खाना आते हुए भाई बड़े गंदे लोग हैं यार, मेरे को वीडियो भी नहीं बना देते, ऐसे लोग हैं मेरे। थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना, तो ये किला से ले, ये है सबसे ज़्यादा तो ऐसा। इसका भी चैनल है ना, तो राजपूत लोग, तो उतना सेठ लोग उतना सेठ लोग। आप ठीक है, खाना खाते हैं और फिर आप लोगों से। तो भाई खाना खा के हो चुका है डन, और सौंफ वगैरह खा रहे हैं। खाना अच्छा था, ठीक ठाक। अपना टाइम हो रहा है 3:40, 40 मिनट लगा दिया हमने यहाँ पर। भाई बैठ गए यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए। भाई कह रहे हैं गाड़ी मेरा भाई चलाएगा, मैंने नहीं बाबू ऐसे नहीं करते, लाइसेंस नहीं है ना भाई के पास। ये भाग गया हमारी गाड़ी लेके। तो भाई खाना खा के निकल चुके हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए। बहुत बढ़िया खाना खाया, गंतव्य स्थान की ओर, गंतव्य स्थान की तरफ। बहुत ही बढ़िया खाना खाया हमने, मजा आ गया खाना खा के। अच्छा था, बड़ी गंदी यार खाने का तो यार सही था यार, कॉस्ट भी जिस हिसाब से थी वो जस्टिफाई कर रही थी। ठीक था, खाना बढ़िया अच्छा था, बेस्ट था, किंग से तो बढ़िया था, बहुत ही अच्छा था उससे तो यार। किंगो पे तो कुछ नहीं मिलता, किंगो खाने में कुछ थे क्या? नहीं थे। तो अपने आप चल रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, गाने सुनते हुए बढ़िया करके। भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली शाहपुरा, और जो कि मतलब यहां से कितने कितने किलोमीटर है अभी, यहां से अभी है 53 किलोमीटर, तो अभी 53 किलोमीटर बसता है यहां से। और अभी एक मार्केट टाइप की है कोई, और मतलब गांव है, ठीक ठाक गांव भी बोल सकते हो और सिटी भी बोल सकते हो। और सुबह के बज रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 5:43, ऐसा कुछ सीन है अभी तक का। और मौसम अच्छा हो रहा है, अभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और रात के टाइम भी मतलब बिजली सी कड़कने लगी थी, और अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और आगे चल रही है हमारे सागर और ज्योति। तेरा सागर और नीचे बैठी है ज्योति, नीचे उसके बैठी है ज्योति, और हमारे पीछे बैठी है पनौति। जब छाया सो ही रहा सोता है, अपनी बीबी का नाम लेता है, फिर जागता है, फिर अपनी बीबी का नाम लेता है। भाई मतलब देखो कल की छुट्टी कर रखी थी भाई ने सैटरडे की, किस लिए कि भाई रेस्ट करना, ऑफिस से झूठ बोल के कि भाई मेरी तबीयत खराब है और सो रहा था, और सो नहीं रहा था, बीबी को घुमाने लेके गया था, और अब आया है भाई सो रहा था मुझे ना। अब आया है, अब भी पूरा रास्ता असली वाला नहीं बताना क्या, घूमने गया ऑफिस में पता लग जाए। अब भी सो रहा है यार, ये कोई बात होती है यार, घूमने आए हो तुम सोने आए हो क्या? बीवी साथ आती तो ना सोता। हाँ तब नहीं सोता,
हमें ना कहता बाबू, हमें भी बाबू कहते, हमें कोई बाबू कहने वाला नहीं है। मेरी भाई को कह दे चल। भाई अभी यहाँ पर रुके हैं, मतलब कहीं तो रुके हैं, मतलब अभी यहाँ पे कहीं ढाबे पे रुके हैं, गणेश रेस्टोरेंट, और 30 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से, और कुछ चाय वाय पीने के लिए और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते हैं, और नहाने का भी जुगाड़ है यहाँ पे, नहा भी यहीं पे लेंगे, सीधा दर्शन करेंगे और दर्शन करके सीधा जाएंगे अपने घर के लिए। नहीं, दर्शन करके हम वहाँ जा रहे थे ना आगे तक, कुछ नहीं कुछ नहीं, बाद में बताएंगे, टॉप सीक्रेट। तो ऐसा कुछ सीन है, और फ्रेश वगैरह होते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, फिर आगे निकल जाते हैं। भाई अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं और कपड़े लेके नहाने के लिए जा रहे हैं पूरा, मतलब हम ना, हम अपनी सच्चाई ब्लॉग है भाई यार, तुम ये सब मत बोले करो मेरे ब्लॉग में, मैं सच बोलता हूँ अपने ब्लॉग में जो भी है। जय हो गौ माता। इसको पकड़ो लाल वाले को, ये लाल पहन के घूम रहा। अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए, सामने वो बना हुआ है नहाने के लिए पूरा बाथरूम, वहाँ पे जाके नहा लेंगे और दर्शन करने चले जाएंगे भाई, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत अगर हमने रूम लिया तो हम जाके जाके सो जाएंगे, और अगर सो गए तो पूरा दिन जाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि रूम ना लें और अपना जाके सीधा यहीं पे नहाएं, दर्शन करें और सीधा निकल जाएं कहीं और के लिए घूमने के लिए, बाकी सब बेहतरीन है। भाई नहा कर हो चुका है अपना डन, और सारे भाई नहा चुके हैं, और टॉवल ऐसा सुखाना पड़ा है क्योंकि लेनी हो चुकी है, गीला हो चुका है मतलब। और हम लोगों ने मतलब अभी यहीं पे जब सुविधा मिली तो नहा ली, एकदम फिर ठंडा पानी लेकर चल रहे हो, चुपचाप है भाई, शुरू से बोल रहे थे भाई। तो भाई अभी क्या है, हम लोगों ने मतलब अपना नाश्ता वास्ता करेंगे यहाँ पे, और फिर सीधा निकल जाएंगे धाम के लिए और दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हमारा आगे का कुछ प्लान है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, सब चीज़ बताएंगे। और इधर आ चुकी है हमारी चाय, और चाय के साथ है पराठे जो कि वर्चुअल है, अभी हमारे को भी नहीं दिख रहे, थोड़ी देर में आने वाले, थोड़ी देर में दिखेंगे, रेंडर हो रहे हैं तो भाई चाय तो दिखेगा, रेंडर हो रहे हैं और चाय पीते हैं, नहाकर हो चुके हैं फ्रेश, और आकाश भाई को चाय दी जा रही है जो कि सुस्त दुरुस्त आदमी है। भाई अपनी चाय पीते हैं और पराठे खाते हैं, निकलते हैं यार, एक मैं डायमंड निकल गए, चाय तो बढ़िया बनी है भाई, बेहतरीन एक यार आ जाओ, दही दही भाई, इधर आ चुके हैं अपने पराठे और वो पराठा दही मत लो भाई, चाय चाय, अरे दही दही के साथ ही तो बहुत चलेगा, ये अलग आदमी, चाय के साथ दही, दही के साथ पराठा, ओहो। तो भाई अभी अपना खाना खा के हो चुका है डन, बस अब निकल रहे हैं बाहर के लिए, मतलब अपने धाम के लिए, और दर्शन करते हैं, आपसे मिलते हैं सीधा गाड़ी में, मस्त। तो हम पहुंच गए हैं, लोग निकल चुके हैं अपना आगे के लिए, आगे की जो जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और खूबसूरत होने वाली है, और नहाकर खाना खाकर रेडी हो चुके हैं, और भाई बढ़िया कर अब मौज आने वाली है, मतलब रोड भी बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, चश्मा भी बढ़िया है, चश्मा सही है, नया दिया भाई ने, पता है मेरे को भी अच्छा सा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे बाल सेट नहीं हो रहे, मेरे को दे दे मेरे पे अच्छा लगेगा, बहुत ही बेकार भाई याद लग रहा है, मतलब मेरा तो फिर भी ठीक है, भाई के पास दो है, मेरे पास दो है, अरे मेरे डंटल में रखा है यार, इस वाली राइड में मेरा चश्मा गिर गया यार वो भाई, ये अभी हम लोग आ चुके हैं रिंगस जो है ना वो गाना क्या था वो रिंगस वाले लेने आजा काटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, तो भाई हम आ चुके हैं रिंगस, और यहाँ से लोग बस निशान उठा रहे हैं, मतलब जो
जो झंडा होता है ना उसको निशान बोलते हैं, मतलब जो फ्लैग होता है उसको निशान बोलते हैं। तो लोग बाग निशान ले लेके जा रहे हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो ये सब लोग निशान ले लेके जा रहे हैं और कुछ तो मतलब दंडवत परिक्रमा भी कर रहे हैं। तो भाई बढ़िया है, लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, अच्छा है। वहाँ अभी तो हमारे बस की नहीं क्योंकि हम रात के पूरे जगे हुए हैं। बाकी यार बढ़िया है, मतलब यहाँ से अपना उठा के अपना कम से कम 12 किलोमीटर रह जाता है, 12-13 किलोमीटर। तो यहाँ से 12 किलोमीटर लोग बाग पैदल जाते हैं। जैसे भी मतलब लोग बागों का अपना सही लगता है। अभी तो हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, बढ़िया है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पार्किंग में और अभी हमने कार अपनी जो यहाँ पे पार्क कर दी है पार्किंग के अंदर, और 100 रुपये इसकी जो है वो पार्किंग फीस है। और यहाँ पे भाई देखो कांच पड़ा हुआ, कांच जगह जगह पे देखते हुए जाना पड़ रहा है बहुत आराम आराम से, और हमें नंगे पैर कांच पड़ा हुआ जगह जगह, और इसलिए आराम आराम से चल रहे हैं बढ़िया करके, मतलब बढ़िया क्या करके अपना देखते हुए नीचे, क्योंकि वहाँ पर जूते उतार उतारने का दिक्कत होती है, इसलिए हम यहीं से नंगे पैर जा रहे हैं अपना। कांच पड़ा हुआ भाई जगह जगह, गलती से भी घुस गया ना दिक्कत हो जाएगी। भाई अभी पहुंच चुके हैं हम लोग बस स्टैंड पर, ये है बस स्टैंड जहां से बस वगैरह मिल जाती है। RSRTC की बस खड़ी हुई है, राजस्थान परिवहन निगम की, और बस यहीं पे पास में तोरण द्वार भी है, वहां से एंट्री करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो, आ रहा होगा नीचे लिखा हुआ। और चलते हैं आगे तोरण द्वार की तरफ को, सब चीज़ दिखाएं। भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा मतलब द्वार के बाहर खड़े हुए हैं, और ये है तोरण द्वार, और यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, बस चल रहे हैं आगे की तरफ और दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं कहीं और के लिए, सब चीज़ दिखाऊँगा आपको धीरे धीरे। बाकी पहुँच रहे हैं थोड़ी ही देर में, बताता रहूँगा। हाँ बोलता रहूँ, अभी हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन के अंदर, और अब जो है ना काफ़ी सारी लाइन हो चुकी है, पहले तो बहुत कम लाइन हुआ करती थी, अब काफ़ी सारी लाइन हो चुकी है। और भाई भीड़ देख रहे हो, संडे है ना इस वजह से। अरे भाई सही रहता है, सही कह रहे थे उस वाली लाइन में आने की, कोई बात नहीं थोड़ी देर में ये भी चल जाए। हाला हो गया, पंखे लगे हुए कितने बड़े बड़े देख रहे हो भाई साहब, इतना बड़ा है वो पूरे में हवा दे रहा, और यहाँ पे इतनी अच्छी खासी हवा आ रही है ना सही में। एक वहाँ भी लगा हुआ है, एक उससे आगे भी लगा हुआ, एक उससे आगे भी लगा, मतलब 5-6 पंखे लगे। अभी हम लोग क्या है दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और भीड़ हो गई भाई बहुत ज़्यादा, मतलब दर्शन तो अच्छे हो गए पर भीड़ हो गई। चेक दिस आउट दर्शन अच्छे हो गए भाई फिर भी, और मतलब अब जो है ना बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो चुका है, मतलब पहले तो भाई 5-5 घंटे लग जाते थे और अब तो 20 मिनट में काम हो गया, सही है। तो भाई वापस से आ चुके हैं हम लोग बस स्टैंड पे, गाड़ी तो कर दी मैंने शिप यहाँ से, और अब बस से जाएंगे, शिप में भेज दी मैंने, जहाज़ में ऐसा बहुत है यार, बस में घूमने का मन करा बस में चले गए, ट्रेन में मन करा ट्रेन अपने भाई की है,
अरे पीछे से ही बोलते हैं ये लोग ना, पीछे से बोलने वाले बहुत आते हैं भाई। तो क्या पानी ठंडा? पूरा ठंडा ही रहा है। चल चुके हैं हम लोग अभी अपना दिल्ली के लिए, और अभी जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम पहले खाएंगे दाल बाटी चूरमा। यहाँ से 62 किलोमीटर राजस्थान की तरफ पहुँचे, हम जयपुर की तरफ दिखा रहा है, जयपुर की साइड जाना पड़ेगा। नहीं भाई, कहीं और भी मिल जाएगा दिल्ली की तरफ में। अरे नहीं भाई, यार राजस्थान आए हो, दाल बाटी चूरमा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे इसे तो कहीं और की सवारी करवाएंगे। भाई अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर कन्हैया होटल करके। रास्ते में बड़ा था, मैंने रास्ते में जब जा रहा था ना, जब देख रहा दाल बाटी चूरमा, और बहुत देर से सबका मन कर रहा था कि दाल बाटी चूरमा खाएंगे, दाल बाटी चूरमा खाएंगे। तो अभी रुके हैं दाल बाटी चूरमा खाने के लिए। बहुत ज़्यादा मन था, अगर राजस्थान आए हैं और दाल बाटी चूरमा नहीं खाया तो फिर क्या खाया, क्या फ़ायदा। देखते हैं जैसा भी होता है और आपको भी बताते हैं। बाकी मज़ा आने वाला है खाने के बाद, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत फेवरेट है। और विनय भाई पहली बार खाएंगे आज, है विनय भाई? हाँ भाई, यार मैं पहली बार खाऊंगा। आकाश भाई भी पहली बार खाएंगे आज। अगर मैं खाए को पहली बार खाऊंगा। अरे तुम खा चुके हो क्या? मनीष, हाँ मनीष पहली बार खाएगा। खा चुका तू भी दाल बाटी? हाँ तुम? विनय भाई बस पहली बार खाएंगे, भाई को आज पहली बार खिलाएंगे, कैसा होता भाई बताएंगे। भाई अभी ऑर्डर किया है दाल बाटी चूरमा। अरे पकड़ना, ये ऑर्डर किया हमने दाल बाटी चूरमा, और यहाँ पे ऑर्डर किया बेसन के गट्टे की सब्जी। तो अभी ये खाते हैं बेसन के गट्टे की सब्जी और दाल बाटी चूरमा, और भाई टेस्ट करके बताएंगे कैसा। भाई अभी हमारे को ये दिखा और मैं देखने के लिए आया हूँ इधर, मतलब बाहर ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पूरे में दूर दूर तक खेत है, और कितनी प्रॉपर्टी बड़ी। अरे भाई यार, यो तो आवाज है भाई, आवाज वाली बात करते हैं हमेशा। खरीद ले क्या, रेलवे में नौकरी लगने वाली है मेरी, सॉरी कह रहा था। नहीं है भाई कभी। और भाई बीच में धरा है उक्का यार, ऐसे ही कहीं मेरे को भी ना शांति वाला घर चाहिए, है ना? और बीच में रखा यार, ये सिम कार्ड भी है बीच में रखा हुक्का, भैया की डिमांड ना जाए, कह रहे शांति का घर चाहिए यार, चासने के लिए। भाई अभी आ चुका है हमारा यहाँ पे दाल बाटी चूरमा, ये दाल, ये बाटी और ये चूरमा। एक बाटी से कैसे खाएंगे यार बताओ, ये कोई बात है तुक है? इतना सारा एक एक बाल्टी दाल एक बाटी से कुछ तुक बन रही है? दो बाटी तो होनी चाहिए थी यार, कोई नहीं अभी बोलते हैं उनसे। ये तो अकेला हमारा मनीष भाई आ जाएगा, वैसे भी है बढ़िया है, आके देखते हैं टेस्ट करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। भाई अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे दाल बाटी, और ये है हमारा यार तुम दाल चूरमा, और ये बाटी। यार तुम थाली में सोटा हो गया भाई, नहीं है अपना तो थाली थूली में से उठा लेते हैं। और भाई विनय भाई ने खा के कैसा लगा? विनय भाई मेरे को तो भाई मस्त लगा यार, ये देखिए विनय भाई ने फर्स्ट टाइम खाया, तो भाई बस मैं विनय भाई से पूछूंगा कैसा लगा। विनय भाई बहुत ही अच्छा है यार, देखिए ऐसा कुछ होता है कैसा ये पूरी रख के बैठ गया, क्या कटोरी से नहीं खाऊंगा इससे। यार मनीष भाई यार, ये तो झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो यार, ये तो मनीष अलग लेके बैठा हुआ है, शादी में बारिश हो तुम कर रहे हो यार ये काम तो यार, इसकी ये शादी में बारिश हो जाएगी भाई, ये तुम्हारी में होगी, वैसे इसकी में तो हो गई जितनी होनी थी, शादी हो गई। तो भाई खाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। भाई ये सब्जी और आई है आज हमारी, सेब टमाटर की, और बहुत बढ़िया है, मतलब आज हमारा ना पूरा प्रॉपर तरीके से राजस्थानी वाला खाना हो गया। भाई कैसा लगा आकाश भाई? दूसरी शिफ्ट में खा रहे हैं आकाश भाई, पहली शिफ्ट खा चुके हैं दोबारा खा रहे हैं। मनीष भाई बढ़िया लगा? विनय भाई तो भाई बहुत बहुत बढ़िया लगा विनय भाई को, तो विनय भाई कह रहा है मैं तो एक हफ्ता ही करूँगा, बहुत अच्छा लगा, मैं तो आपका टीवी में नहीं इसलिए करेगा, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, अच्छा है खाना, टेस्टी है। बाकी खाना खाते हैं फिर आपसे।
तो भाई अपना खाना खा के हो चुके हैं डन, और खाना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। बस अब निकल रहे हैं अपने आगे के लिए। आगे की जो डेस्टिनेशन है वो है नीमराणा फोर्ट। नीमराणा फोर्ट घूमते हुए चलेंगे क्योंकि रास्ते में पड़ेगा नीमराणा, तो नीमराणा फोर्ट ओके, और फिर निकल जाएंगे अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए। बहुत सही भाई, मज़ा आ गया यार। खाना जो चाहिए था ना वो मिल गया, वो मिल गया, और खाना टेस्टी भी था। हाँ हाँ, कर रहा हूँ ब्लॉग कर रहा हूँ। हाँ भाई, भाई का कैमरा क्या भी कह रहा है कि अब कैमरा कह रहा भाई ब्लॉग कर ले, भाई ब्लॉग ही नहीं करते हैं। चालू है बंदे, देख चालू है भाई। अभी यहाँ पर आए हैं, क्या बोलते हैं इसको, होटल हाईवे एक्सप्रेस। थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, नींद सी आ रही थी हल्की हल्की सी, कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद अपना टाइम हो रहा है अभी शाम के 5, और दिल्ली यहाँ से रह गया होगा करीब 150 किलोमीटर, नहीं कमी है। हाँ जो भी है 150 किलोमीटर मान लो, तो इतना रह गया है। उसके बाद अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, तो इसलिए जैसे भी होगा सारी चीज़ आपके साथ दिखाएंगे, अगर कुछ खाते हैं तो, नहीं खाते तो फिर ऐसे ही आ जाएंगे। घूमने के लिए आते हैं हम तो, खाने के लिए नहीं आते। बढ़िया सा लगा थोड़ा सा, ये झूले हैं, मिनी मनीष बोल रहा मुझे झूला दो, ये तो बात है, कह रहा है उसमें शत्रुघ्न नहीं ली। ओहो मनीष भाई, तुम्हारे बच्चे खेलने की उम्र है, मतलब बच्चे खिलाने की उम्र है। ओहो बंदूकें रखी हैं, वेपन्स एक कट्टा लगा देगा मनीष तेरे। बढ़िया है भाई, अभी यहाँ पर आए हैं ओल्ड राव पर, जस्ट अभी पहुँचे हैं, और इतना ज़्यादा जाम है भाई, इतना ज़्यादा जाम है मैंने आज तक नहीं देखा, इतना जाम मतलब बहुत बुरा जाम है। और रात के हो रहे हैं 9 बज चुके हैं, और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते हैं, मुँह हाथ धोते हैं और फिर चलते हैं आगे के लिए। खाना पीना कुछ है नहीं क्योंकि खा रखा है बहुत ज़्यादा ही पहले से, अपना मुँह वगैरह धोते हैं, नींद सी आए ना इसलिए, और फिर चलते हैं आगे के लिए। वही देखो बढ़िया है ना। तो भाई अभी ना हम लोगों ने पान खा रहे हैं, खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी ना पेट भरा हुआ है, और पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, पान खाया बहुत सही अपना, यही सीन है। अब अपना निकल रहे हैं वापस से दिल्ली के लिए, दिल्ली यहाँ से बचे 80 किलोमीटर, और 1-1.5 घंटा लगेगा मेरे को घर पहुँचने में, ऐसा गूगल मैप बता रहा है। तो भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गुड़गांव, और गुड़गांव में जाने के आने के बाद हम विनय भाई को घर से ड्रॉप करा था, जहाँ से पिकअप किया था वहीं से ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छे वाले ओला उबर हैं विनय भाई से मिल के, भाई मजा आया विनय भाई के साथ आज कार में राइड करना, बढ़िया लगा। और चलते हैं अपना घर के लिए, बाकी देखो मिल भी नहीं रहा है भाई, कैसा गंदा आदमी है भाई। ठीक है विनय भैया, ओके राम राम। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो उधर दिल्ली पुलिस के सब बोर्ड वोर्ड लगने शुरू हो चुके हैं। तो अभी हैं हम लोग सरदार पटेल मार्ग पर, और यहाँ गूगल दिखा रहा है 26 मिनट हमारे को लगेंगे, 14 किलोमीटर अभी हमारा यहाँ से घर है, और बस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे घर पर, सीधा आप लोगों से मिलेंगे घर पहुँच कर, क्योंकि भाई अब नींद आने लगी है मेरे को भी, सीधा पहुँचेंगे घर पर, घर चल कर आपसे मिलेंगे और फिर सो जाएंगे। भाई मैं घर आ गया था रात में, करीब 12 बज गए थे मेरे को पहुँचते पहुँचते, और नींद इतनी तेज़ ज़्यादा आ रही थी ना कि बस उस टाइम बेड दिख रहा था, और मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रहा था, मेरे को याद आया कि भाई घर आके एंड तो किया ही नहीं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको ये वीडियो कहीं भी अच्छी लगी, और वीडियो कहीं भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना जिससे कि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं फिर ऐसे किसी बड़ी सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ ड्राइव सेफ, दिस इज करण चौहान साइनिंग ऑफ, बाय। ऐसी ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो जल्दी से।